रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे सादे चिकन कढ़ाई। ये चिकन है तकरीबन 1.5 किलो। इसमें मैंने नमक, मिर्च और हल्दी लगा के रख दी थी उनके कहने पर। ये तकरीबन 3 टमाटर हैं और तकरीबन 2 से 3 प्याज हैं, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट जी, धनिया पाउडर 2 चम्मच, नमक 1 चम्मच, रेड चिली 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर, लौंग का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर और हल्दी जी। आप ये आप तमाम चीज़ें देख सकते हैं। और अब बनाएंगे खाना साजिद जी। साजिद ने डायरेक्ट चिकन हल्के थोड़े सा ऑयल डाल के उसमें डाल दिए, आप देख सकते हैं। और ये साजिद भी अच्छे कुक हैं अगर बनाएं तो। बस थोड़ा तंग करते हैं कुकिंग करते हुए, इसलिए मैं उनको कहती हूँ कि मैं खुद ही खाना बना लूँ जी। साजिद आप बताएं आप क्या करेंगे। अब इसमें तकरीबन 1 ग्लास पानी डालेंगे। अच्छा जी, ठीक। और इसको थोड़ा सा बुनने देंगे इसको। ये बस 1 ग्लास पानी डाल दिया इसमें। 1 ग्लास पानी डाल दिए। 1 ग्लास पानी डाल दिया इसमें जी। अब इसको थोड़ा सा 10 से 15 पकने देंगे। हाँ, थोड़ा पकने देंगे इसको, 10 से 15 मिनट इसको ढक दें। चले, ये हमने ढक दिया बस इसको, 10-15 मिनट इसको ऐसे रहने दें। चले हाँ जी, 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे। हाँ, कितना बड़ा हाथ है वीडियो में सारा आ गया। इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जी। साजिद, आपने खाना कहाँ से सीखा है? बस कहीं ना कहीं से सीख ही लिया। कहीं ना कहीं से तो सीखा होगा ना यार? बस सीख लिया, एक दोस्त था मेरा। अच्छा। हाँ, तो बस उसके रूम में बस जाता था, तो वो बस बनाते बनाते आ गया बस। सही सही। ये आपको पापा से भी क्वालिटी आ सकती है, क्योंकि पापा भी बहुत अच्छे कुक हैं। पापा से भी। हाँ, पापा इसमें से कुछ भी, इसमें पापा की भी चीज़ें ऐड की हुई हैं मैंने। पापा यानी मेरे ससुर, वो भी बहुत अच्छे कुक हैं। तो मेरी सास और ससुर दोनों टक्कर के कुक हैं। पापा कढ़ाई अच्छी बनाते थे। पापा कढ़ाई बहुत अच्छी बनाते हैं। कीमा बहुत अच्छा बनाते हैं। चले, ये चीज़ लेकिन पापा का फिर, हाँ पापा का फिर कभी इंशाल्लाह जब वो आएंगे तो। वैसे तो आते नहीं है वो भी, लेकिन हाँ, लेकिन जब भी आए वो भी इंशाल्लाह जरूर जी। साजिद, अब हम कितनी देर इसको छोड़ेंगे? इसको बस 5 मिनट इसको जरा भूनेंगे अदरक लहसुन में। ठीक है, ठीक। चलिए, बाद फिर अगला प्रोसेस करते हैं जी। साजिद, अब क्या करेंगे आप? इसको 5 मिनट भूनने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे प्याज। चलिए, प्याज बहुत है? बहुत है, बहुत है प्याज जी। और ज़्यादा प्याज भी हो तो खाना मीठा हो जाता है। हाँ, ये आप लोग सोच रहे होंगे अभी तक मसाला कोई भी नहीं डाला, लेकिन मेरी रेसिपी यही है कि मैं मसाले सबसे एंड में डालता हूँ, आखिर में डालता हूँ। पहले ये तो आपने अपनी सीक्रेट बता दिया आपने। कोई बात नहीं, सीक्रेट है। चले, अब इसको 5 से 10 मिनट रखते हैं ताकि थोड़ा पानी भी खुश्क हो जाए और प्याज भी सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट हो जाए। चल, ओके जी। साजिद, अगला स्टेप क्या? अच्छा, ऑयल डालने लगे। इसमें ऑयल डालने लगा हूँ, अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है जी। अब ऑयल डाल के आप भूनेंगे? ऑयल डाल के इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट इसको भून के फिर टमाटर डालूंगा मैं इसमें। अच्छा जी, ठीक है, 1 से 2 मिनट भूने। हाँ, 1 से 2 मिनट बस ऑयल इसके अंदर। साजिद, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है टमाटर। चले, कर्फ्यू का कुछ तो फायदा हुआ है, आप काबू आ गए हैं। वैसे आप काबू ही हैं। और एक और चीज़, थोड़ी सी इसकी आंच थोड़ी तेज़ करने चूल्हे की, ताकि इसका जो तो पानी रह गया वो खुश्क हो जाए, क्योंकि चिकन अपना पानी भी छोड़ देता है। ठीक ठीक, थोड़ी सी मैंने आंच इसकी तेज़ कर दी है मैंने, ताकि इसमें जो तो थोड़ा बहुत पानी है रह भी गया ना वो खुश्क हो जाए। चले, टमाटर अभी डालेंगे या बाद में? टमाटर बस 1 मिनट में डालता हूँ बस, ये जरा ऑयल जरा जज़ब हो जाए ना फिर डालते हैं। हाँ जी साजिद, अब आप टमाटर डालने लगे हैं? हाँ जी, इसमें टमाटर ऐड करूँगा। चलो,
वाह साजिद, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और कलर भी बहुत प्यारा है। अब इसको 10 मिनट भुनेंगे। ठीक, ताकि टमाटर अच्छी तरह, हाँ ठीक, सॉफ्ट हो जाए टमाटर। हाँ, टमाटर से इसको 10 मिनट भुनेंगे इसको। चलें ठीक है, ठीक है, ओके। साजिद अब इसमें पड़ने लगे मसाले सारे, तमाम मसाला जा, तमाम मसाला जा इसके अंदर, क्योंकि अब हमारा एंड है तकरीबन, और इसमें सारे मसाला जा करने लगे। चलें साजिद, एक नई चीज़ होगी एंड में मसाले डालना, ये आप चेक करना, मज़ा ना आया तब करना। सही सही सही, जबरदस्त। अब कितनी देर से भूनेंगे आप? सिर्फ 5 से 7 मिनट बस, ताकि बस ऑयल ऊपर आ जाए बस, और मसाले जरा पक जाए बस। चलें सही है, ठीक है ठीक है। देख सकते हैं हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है, और कितनी खुशबू अच्छी और कलर कितना खूबसूरत। अब ये साजिद ऐड कर रहे हैं धनिया, इसमें थोड़ा सा धनिया जी जी, अदरक अदरक बिल्कुल ढाबे वाला स्टाइल, और थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऐड कर दें, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देते हैं, हसबे जायका बस जी, बस चले। ठीक है ठीक, बिल्कुल साजिद ऐसे है जैसे हम किसी होटल में बैठे हुए हैं, और अभी हमारे सामने देख सकते हैं आप जी, ज़बरदस्त। आप तो माशाल्लाह बड़े अच्छी कुक हैं, कभी गुरूर ही नहीं किया। सही सही सही, हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और आप लोग भी घर में ये ज़रूर तरीका ट्राई करना, तरीका ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा इसका। बस अब चूल्हा बंद, सही चूल्हा बंद करने लगे हैं, ठहरे दोबारा ठहरे, चले चूल्हा बंद करने लगे हैं। तो आज हमारे घर एक मेहमान आए हैं, तो आज वो चेक करेंगे साजिद की कढ़ाई, क्योंकि आगे तो साजिद खुद खाना चेक करते हैं, लेकिन आज वो चेक करेंगे और फिर बताएंगे आपको कैसा है कैसा नहीं। चले सारे चूल्हा बंद करें, सुपरा वगैरह सब लग चुके हैं। चले हाँ जी, बहुत अच्छी बनी साजिद, यानी साजिद पास हो गए हैं, साजिद पास हो गए। चले आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। चले ओके, जज़ाकअल्लाह साजिद, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने आज हमारे लिए खाना बनाया। अल्लाह आपको बार बार तौफीक दे हमें खिलाने की और हमें खाने की, अल्हम्दुलिल्लाह।